हे गाइस, दिस इज दीपक ध्यानी। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है MySQL के फंक्शन। तो MySQL के फंक्शन क्या होते हैं, कैसे होते हैं और कैसे इनको यूज करते हैं, तो इस वीडियो में हम ये सारी चीजें देखने वाले हैं। तो MySQL के फंक्शन में आज हम जो सीखने वाले हैं वो स्ट्रिंग फंक्शन है। मैंने इनको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। अभी पार्ट वन है, इसके बाद पार्ट टू हो। तो सबसे पहले देखते हैं फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। फंक्शंस आर सिंपली पीस ऑफ कोड दैट परफॉर्म सम ऑपरेशन एंड देन रिटर्न ए रिजल्ट। ठीक है, क्या फंक्शन एक सेट ऑफ कोड है, आपने वो लिखा, एक रेडीमेड है आपने लिखा, तो आपका एक कोई भी कोड या रिजल्ट परफॉर्म होके दिखाता है। ठीक, तो हमारा जो स्ट्रिंग फंक्शन में है, स्ट्रिंग फंक्शन पढ़ रहे हैं अभी हम। स्ट्रिंग फंक्शन में जो है हमारा पहला कैर फंक्शन है। कैर फंक्शन क्या करता है, आप कोई भी इंटीजर पास करेंगे तो आपको वो कैरेक्टर में दे देगा रिजल्ट। ठीक है ना, तो अब इसमें सपोज इसको यूज कैसे करते हैं, सेलेक्ट फंक्शन कैर है CHAR। सपोज आपने 65 पास किया, ठीक ऐसे, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो A आएगा। अब कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि 65 हमने डाला, A कैसे आ गया। अब अगर मैं आपको बताऊं ASCII कोड के अकॉर्डिंग, ASCII ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज के अकॉर्डिंग A2Z कैपिटल A2Z 65 to 90 होती है रेंज। ठीक, और स्मॉल की रेंज स्मॉल ए टू स्मॉल जेड 97 to 122। ठीक, तो आपका कैपिटल है 65 66, कैपिटल बी, तो ऐसा ही चलता रहा। सपोज मैंने सेलेक्ट कैर 65 लिखा, तो 65 की प्लेस पर कौन सा है, ए तो है कैपिटल। अगर मैं यहाँ पर 66 लिख लेता तो आपका बी आ जाता। ठीक, तो ये ऐसे काम करता है। अगला जो हमारा फंक्शन है कॉनकेट फंक्शन है। कॉनकेट फंक्शन क्या करता है, सपोज आप चाहते हैं टेबल में से, स्टूडेंट टेबल में से सीरियल नंबर और नेम कॉनकेट हो जाए, जुड़ जाए, मर्ज हो जाए, तो इसको कैसे यूज करेंगे। और ये जो भी काम होते हैं ना टेम्परेरीली होते हैं, परमानेंट नहीं होते हैं। आप ये जो भी कर रहे हैं यहाँ पर टेम्परेरीली होगा। अगर आप कॉनकेट को यूज करते हैं तो कैसे यूज करेंगे, सेलेक्ट कॉनकेट फंक्शन यूज करना है हमने, कॉनकेट। कॉनकेट किसको करना है, सीरियल नंबर और नेम को, तो आप ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे सीरियल नंबर कॉमा नेम फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है जी, तो सीरियल नंबर और नेम आपके क्या हो गया, कॉनकेट हो गया। जो आपको रिजल्ट मिलेगा, 1 Nitin 2 Deepak कुछ ऐसा मिलेगा। अगर आप फिर से अपनी टेबल को देखेंगे तो आपका डेटा ऐसा ही रहेगा, ये थोड़ी देर के लिए चेंज हो रहा है, टेम्परेरीली हो रहा है, परमानेंट नहीं हो रहा है। अगला जो हमारा फंक्शन है लोअर स्लैश एल केस, दोनों एक ही बात है, रिटर्न द आर्ग्यूमेंट इन लोअर केस। अब आपका ये नेम है, नितिन का N कैपिटल है, दीपक का D, रितिका का R, मयंक का M, लोकेश का L कैपिटल है। अब आप चाहते हैं कि सर जो ये नेम है ना पूरे स्मॉल चाहिए, हमें नितिन ऐसा चाहिए स्मॉल, ठीक, तो इस केस में आप क्या करेंगे, आप यूज करेंगे लोअर केस का या एल केस का। तो आप लिखेंगे सेलेक्ट लोअर, किसको करना है, कॉलम क्या है, नेम फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है जी, तो आपका क्या होगा, सेलेक्ट लोअर नेम फ्रॉम स्टूडेंट, तो आपके नितिन स्मॉल हो जाएगा, दीपक स्मॉल हो जाएगा ऐसे, ठीक, रितिका स्मॉल में आ जाएगा, तो ये सब स्मॉल हो जाएंगे। फिर से कहना चाहूंगा टेम्परेरीली होगा, परमानेंट नहीं होगा। अब अगला जो हमारा फंक्शन है अपर या यू केस, एक बात और एल केस भी लिख सकते हैं हम यहां पर, एल केस भी एक ही बात है, लोअर लिखिए या एल केस लिखिए दोनों सेम है। अगला है हमारा अपर या यू केस, रिटर्न द आर्ग्यूमेंट इन अपर केस, आपके आर्ग्यूमेंट को अपर केस में कन्वर्ट करता है। ठीक, तो यूज कैसे करेंगे, सेलेक्ट अपर, किसको करना है, नेम को, नेम फ्रॉम
स्टूडेंट, ठीक है जी। तो सेलेक्ट अपर नेम, ये नेम को किसमें, स्टूडेंट टेबल के नेम को अपर कर दो, तो आपका जो रिजल्ट होगा एन आई नितिन पूरा कैपिटल, दीपक पूरा कैपिटल होगा, जितने भी नाम हैं सारे के सारे आपके कैपिटल हो जाएंगे। तो ये थे, तो आइए अपने अगले फंक्शन देख लेते हैं। अगला जो हमारा फंक्शन है वो है सब स्ट्रिंग फंक्शन या सब एसटीआर, सेम है, एक्सट्रैक्ट ए सब स्ट्रिंग फ्रॉम ए स्ट्रिंग। ये क्या होता है, अगर आपने कोई स्पेसिफिक पोजीशन से कोई स्ट्रिंग निकाल के देनी है तो आप कैसे करेंगे, आप यूज कर सकते हैं सब एसटीआर का। आप चाहते हैं कि जैसे नितिन है, इसका टी से आपको नाम चाहिए एन तक चाहिए, ठीक, जैसे दीपक है पी से चाहिए के तक चाहिए, तो ये यहाँ पर आपको यूज करना होगा सब एसटीआर फंक्शन का। तो कैसे लिखेंगे, सेलेक्ट सब एसटीआर, ठीक है, नेम एन बड़ा है ध्यान रखना होगा आपको, नेम, ठीक है ना, कहाँ से स्टार्ट करना है आपको, उसकी पोजीशन देखनी हो, इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग यहाँ पे वन से स्टार्ट होती है, वन टू थ्री फोर फाइव। सपोज आप टी से चाहते हैं, फाइव से, और कितनी लेंथ चाहिए, थ्री का, थ्री लेंथ चाहिए आपको, जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ थ्री हो और स्टार्टिंग फोर, सॉरी स्टार्टिंग थ्री से हो, ठीक। तो क्या आएगा आपका, टी आई एन, थ्री से स्टार्ट हो रहा है, टी आई एन थ्री का। अगर सपोज आप ऐसा लिखते हैं, सेलेक्ट सब एस टी आर नेम कॉमा, फोर से स्टार्ट हो और लेंथ चाहिए आपको टू की, ठीक, तो सारे नेम कैसे आ जाएंगे, फोर से स्टार्ट होंगे, नितिन में आ जाएगा आई एन, दीपक में आ जाएगा ए के, रितिका में आएगा के ए, मयंक में आएगा एन के, और लोकेश में आएगा एस एच, ठीक है ना। तो अब हमारा अगला जो फंक्शन है वो है लेंथ फंक्शन, रिटर्न्स द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग इन बाइट्स। सपोज आप चाहते हैं कि सर हर एक नाम की लेंथ पता चल जाए हमें, ठीक, जैसे नितिन की लेंथ है यहाँ पर फाइव, दीपक की लेंथ है नेम की सिक्स, रितिका की नेम की लेंथ है सिक्स, मयंक की सिक्स, लोकेश की सिक्स, तो आप सबकी लेंथ कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम जो फंक्शन यूज करेंगे, लेंथ फंक्शन यूज करेंगे, सेलेक्ट लेंथ, ठीक है, नेम, नेम की लेंथ कैलकुलेट करनी है आपने, फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट टेबल से, तो आपके फर्स्ट में आएगा फाइव, फिर दीपक की सिक्स है, रितिका की भी सिक्स है, लोकेश मयंक की सिक्स, लोकेश की भी सिक्स है, तो ये आपको आंसर मिलेगा। तो ये था हमारा पार्ट वन का MySQL के स्ट्रिंग फंक्शन। कुछ बच्चों को मैं देख रहा हूँ कि हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलेगा नई नई वीडियो आपके लिए लाने का, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अब देखते हैं, आइए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, और आज हम जो देखने वाले हैं वो MySQL के फंक्शन, और फंक्शन की कैटेगरी में हम देखने वाले हैं स्ट्रिंग फंक्शन। तो स्ट्रिंग फंक्शन में पहला जो हमारा फंक्शन होता है वो होता है कैर फंक्शन। कैर फंक्शन क्या करता है, आपके कोई भी इंटीजर आप पास करते हैं तो उसके कैरेक्टर में दिखाता है अकॉर्डिंग टू अस्काई। सपोज ये कैसे यूज होता है देखते हैं, सेलेक्ट कैर, आपने डाला 65, मैंने आपको बताया हुआ था इसके बारे में, तो ये ए आ गया है, बिकॉज ए कैपिटल ए टू जेड 65 टू 90 होता है, ठीक, और स्मॉल ए टू जेड 97 टू 122 तक। सपोज अब मैं चेंज कर देता हूँ, 97 डाल के देखता हूँ तो क्या आता है, आपका स्मॉल ए आ रहा है। तो ये हमारा कैर फंक्शन था। तो हमारा जो अगला फंक्शन है वह है कॉनकेट फंक्शन। कॉनकेट फंक्शन कैसे काम करता है, आप अगर कोई दो कॉलम को मर्ज करना चाहते हैं, रोल नंबर और एफ नेम आपने मर्ज करना है तो आप कर सकते हैं स्टूडेंट टेबल से यूज करके देखते हैं। तो आप लिखेंगे सेलेक्ट कॉनकेट, किसको कॉनकेट करना है आपने, रोल नंबर कॉमा एफ नेम को, फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट टेबल से,
ठीक है ना। तो ये आपका कॉनकेट हो गया, आ गया है कॉनकेट। 1 दीपक, 2 रितिका, 3 लोकेश, 4 आकाश, 5 नितिन, 6 मयंक। फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो हमारा ये काम होता है ये टेम्परेरीली होता है, परमानेंट नहीं होता है। आपकी टेबल में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, ये वन टाइम के लिए हो रहा है बस। जो हमारा अगला फंक्शन है वो है लोअर फंक्शन। ये जैसे है एफ नेम है, इसका डी कैपिटल है, रितिका का आर कैपिटल है, लोकेश का एल कैपिटल है, आकाश का ए कैपिटल है, नितिन का एन, मयंक का एन। अगर आप इसको सबको स्मॉल दिखाना चाहते हैं, आप यहाँ पर यूज करेंगे लोअर केस या एल केस, दोनों सेम ही है। तो यूज करेंगे सेलेक्ट लोअर एफ नेम फ्रॉम स्टूडेंट। तो देख पा रहे होंगे आप, दीपक पूरा स्मॉल आ गया है, रितिका, लोकेश, आकाश, नितिन, मयंक, ये सब स्मॉल आ गए हैं। जो हमारा अगला फंक्शन है वो है अपर फंक्शन। तो इसको कैसे यूज करेंगे, ये सारा का सारा आपको कैपिटल करके देगा। तो मैं एफ नेम के साथ ही करता हूँ ये काम, सेलेक्ट अपर एफ नेम फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए दीपक, रितिका, लोकेश, आकाश, नितिन, मयंक सब कैपिटल आ गए। हमारा जो अगला फंक्शन होता है वो होता है सब स्ट्रिंग फंक्शन है। सब स्ट्रिंग फंक्शन क्या करता है, आपका कोई भी एक स्पेसिफिक पोजीशन से आपको एलिमेंट निकाल के देता है, ठीक। स्पेसिफिक पोजीशन से अगर आपको जरूरत है कोई भी करेक्टर निकालने की या कुछ भी निकालने की, तो आप निकाल सकते हैं। तो यूज कैसे करेंगे, सेलेक्ट सब स्ट्रिंग, यहाँ आप लिखेंगे एफ नेम। एफ नेम के चाहिए कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं आप, मैं चाहता हूँ थर्ड से, थर्ड करेक्टर से। और उनकी लेंथ कितनी हो, मैं चाहता हूँ 3 लेंथ का ही हो, या 4 डाल देता हूँ, 4 लेंथ का। जो करेक्टर की लेंथ हो 4 हो, और स्टार्ट कहाँ से हो, पोजीशन 3 से। तो देखता हूँ, मैंने गलत लिख दिया, फ्रॉम टेबल नेम नहीं लिखा, फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। तो ये देखिए दीपक का ई पी ए के थर्ड से सही आ रहा है 4 करेक्टर, रितिका का टी आई के, लोकेश का के ई एस एच, ये क्या था, आकाश का के एस एच, अब नितिन का टी आई एन आ रहा है। बिकॉज अब नितिन में 3 से अगर स्टार्ट करेंगे तो टी आई एन ही आएगा, अब इसके आगे है नहीं करेक्टर, तो आएगा कहाँ से, मयंक में वाई ए एन के आ रहा है। तो अगला जो हमारा फंक्शन है वो है लेंथ फंक्शन। लेंथ फंक्शन क्या करता है, आपकी कोई भी करेक्टर की या कोई भी कॉलम की लेंथ कैलकुलेट करके देता है। तो आप लिखेंगे सेलेक्ट लेंथ, एफ नेम की लेंथ चाहिए मुझे, फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। ये देखिए दीपक में 6 है, 6 6 6, ये जो 5 है नितिन का नेम है क्योंकि इसमें 5 ही करेक्टर है, तो सबकी लेंथ कैलकुलेट करके दे रहा है। तो गाइज ये थे हमारे स्ट्रिंग फंक्शन, इसका स्ट्रिंग फंक्शन का पार्ट 1 था, पार्ट 2 भी आएगा इसका। तो हमारे साथ बने रहिए।